सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो मुझे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो गाइज, मेरे थंबनेल को देख के, मेरे टाइटल को देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि मेरा वीडियो किस चीज पर होने वाला है। तो मेरा ये व्लॉग रूम टूर पर होने वाला है, क्योंकि अपेरेंटली मेरा जो डैंडी नाइट वाला व्लॉग था उसमें मेरा इतना रूम दिख रहा था जिसमें लोगों को काफी इंटरेस्ट आ रहा था ये जानने में कि मेरा रूम कैसा है। तो काफी लोगों ने उसमें कमेंट करा और मेरे से बोला कि आप रूम टूर दो। तो यार वैसे ही वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, क्योंकि मेरे रूम के साइज से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं। पर मैंने कुछ एलिमेंट्स ऐड करने का सोचा है जिससे आप लोगों को थोड़ा मजा आए और आपको मतलब इंटरेस्ट आए देखने में कि एक्चुअल में यहाँ है क्या। तो गाइज, मेरा रूम अभी ग्राउंड फ्लोर पर है और ये मेरा रूम है। और मैं सिंगल रूम में रहती हूँ क्योंकि मैं थर्ड ईयर में हूँ और मैं काफ़ी सीनियर हूँ। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे डबल रूम में रहना पड़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर की मिड में हमें सिंगल रूम्स अलॉट हो जाते हैं और उसके बाद हम अपनी इंडिपेंडेंस से रह सकते हैं। ये है मेरे रूम की एंट्रेंस और मैंने इस पे ये मॉस्किटो नेट लगाया हुआ है, मैग्नेट वाला। इससे मच्छर, छिपकली और चूहा हर चीज़ से बच सकते हैं। और ये मेरा कूलर है जिसको मैं गर्मियों में यूज़ करती थी, अब मैंने इसको अच्छे से पैक करके और बंद करके बाहर रख दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये है मेरे रूम के दरवाजे का बैग जिस पे काफी लोड है, क्योंकि इस पे मैंने अपना टॉवल, बाथरूम और अपना एप्रन जो कि मुझे रोज पहनना होता है। ये मेरा छोटू सा कॉलेज बैग है जिसमें मेरे को सिर्फ एक किट और एक रजिस्टर लेके जाना होता है और कुछ स्लिंग्स वगैरह टांग रखे हैं। उसके बाद सेकेंडली ये मेरा हुक है जिसपे मैंने ये नहाने का रॉड, क्योंकि तुम्हें अभी दिखाऊंगी मैं कि कितना मुश्किल है यहाँ पे नहाना, और ये सर्दियों में यूज होती है। अम्ब्रेला, इमरजेंसी लाइट, क्योंकि यहाँ रोज लाइट चली जाती है और एग्जाम से पहले तो जरूर जाती है। और ये मेरा किट पांडा, अभी तुम मेरे रूम में देखना कितने पांडा मिलने वाले हैं। तो ये यूटिलिटी का सामान है थोड़ा सा। सेकंड इन द रो इज दिस मिरर। ये मिरर मैंने खुद ही लगाया है रूम में और इसके चारों तरफ की मैंने बहुत ही प्यारी सी लाइट्स लगाई हैं, क्योंकि मेरे को लाइट्स बहुत पसंद है। और ये मैंने वाईफाई लगवाया हुआ है रूम में, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत गंदा आता है। ये मैंने एक होल्डर लगाया हुआ है मास्क के लिए और एक होल्डर लगाया हुआ है मैंने अपने लॉकिंग की के लिए, क्योंकि हर टाइम खोए रहते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्यूट पांडा पोस्टर, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे पांडा बहुत पसंद है एंड ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई फील दैट आई एम वेरी फैट, तो ये मेरे मिरर के साथ है इसीलिए। नेक्स्ट है ये चेयर जो कि हमें यहीं से मिली थी, और ये शूज हैं जो कि मैं रोज में पहनती हूँ। फिर है ये ड्रॉर सेट, इसमें मैंने ऐसे छोटा मोटा सामान रखा हुआ है, मतलब रोज का छोटा मोटा बेकार बेकार जो जिसको रखने की कहीं जगह नहीं मिलती। और फिर है ये मेरी स्टडी टेबल बेड पे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट इज दिस रैक, ये मेरा शू रैक है, इसमें मैंने शूज रखे हुए हैं। और ये है कुछ गिफ्ट्स, ये मुझे गिफ्टेड है, ये भी मुझे गिफ्टेड है, ये मून लाइट है, आपने देखी हो अगर एड्स में, ये हार्ट, ये मुझे मेरे बर्थडे पे मिला था, ये बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, कितना अच्छा लगता है इसे देखने में, है ना। और ये हमारे जूनियर्स ने हमें दिया था, फ्रॉम एक्जीमियंस टू फैल्कन्स। हमारे बैच का नाम फैल्कन्स है और हमारे जूनियर्स का नाम एक्जीमियंस है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा गिफ्ट लगा था। और नेक्स्ट है ये हमारा बैच फोटोग्राफ जिसको मेरे विंड शाइन ने कवर कर दिया है। ये बैच फोटोग्राफ हमें हमारे सीनियर्स ने दिया था गिफ्ट में, फ्रॉम इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट इज दिस व्हाइट बोर्ड जिसको मैं बहुत कम यूज करती हूँ, और ये भी गिफ्टेड है, मेरे फ्रेंड्स घूमने गए थे मैक्लोडगंज, वहां से मेरे लिए लाए थे। ये है मेरा बेड एरिया, ये मैंने काफी अच्छे से आज सेट किया हुआ है, इतना साफ ही वैसे रहता नहीं है रोज में, पर आज ये काफी साफ है। और ये मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लगाई हुई हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे थोड़ा थोड़ा सबको देखते रहना हर टाइम। और ये कर्टेंस हैं और इसके पीछे विंडो है, विंडो से जंगल व्यू दिखता है क्योंकि पीछे यहाँ पे काफी झाड़ियां वगैरह हैं। और ये मेरा क्विल्ट और ये यूक्यूलेले है क्यूट सा, वैसे ये रोज यहाँ नहीं रहता है, आज थोड़ा एस्थेटिक लुक देना था तो मैंने इसको आज यहाँ रख लिया ताकि थोड़ा अच्छा लगे। और गाइस, ये दुनिया की बेस्ट चीज है, मेरे बेड के साइड में चार्जिंग पॉइंट जो कि मैंने खुद लगवाया, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है चार्जर की। और ये मेरा फोन होल्डर है जिसे मैंने आज तक अपना फोन नहीं रखा, मैंने सोचा था कि मैं अपने बेड पे रखूंगी तो वो गिर जाया करेगा, इसलिए मैं फोन होल्डर लगा लेती हूँ ताकि मैं इसमें अपना फोन रखा करूँ, पर मैंने आज तक इसमें कभी फोन रखा नहीं है। और ये मैंने कुछ पोस्टर्स लगाए हुए हैं और
ये ड्रीम कैचर, ये मेरे ड्रीम्स को पकड़ता है रोज, और मुझे दो पिलोज की जरूरत रहती है तो ये दो पिलोज हैं। और नेक्स्ट है ये रैक, ये रैक मैंने खुद खरीदा है। हम लोग यहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हैं, मतलब अपना खुद से सामान खरीद सकते हैं, जिस भी चीज की हमें रिक्वायरमेंट हो मिलता नहीं है यहाँ। इसके ऊपर ये सब मेरा रोज का कॉस्मेटिक का सामान, ये ब्रश, हैंड वॉश, बर्तन धोने का सामान, मेरा प्लानर, मेरी वॉच, चश्मा, बॉटल्स, ये सब रख रखा है। ये है मेरा वॉशिंग बैग, लॉन्ड्री बैग, ये सूटकेस है जिसमें मैंने अपने कपड़े भर के रखे हुए हैं घर भेजने के लिए, और ये मेरा क्यूट बीबी, हाय हाय बीबी, हेलो। ये मेरा गिटार है और उसके पीछे मेरा स्टेथ है रूम को थोड़ा एस्थेटिक लुक देने के लिए, और ये मेरी वॉल है जो कि खराब हो चुकी है। इसको मुझे अभी प्लान करना है कि मैं इस पर क्या करूं, लेकिन अभी सोच रही हूं मैं, क्योंकि ये इस पर मेरे फ्रेंड्स ने मेरे बर्थडे पे डेकोरेशन करी थी तो उसकी टेप के निशान पड़ गए हैं और खराब हो चुकी है। ये मैंने एक डस्टबिन रखा हुआ है और ये झाड़ू वगैरह। ये मेरी कपड़ों की अलमीरा है जिसमें मैं अपने कपड़े रखती हूँ, और इसके ऊपर ये हमारे को ऐसी परछत्ती टाइप मिली हुई है जिसमें मैं अपना एक्स्ट्रा सामान रख लेती हूँ जो मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ रखना है। सो दिस इज इट जो दिख रहा है। बाकी बेड के नीचे मेरी नाने की बकेट और लाइजोल और हिट और एक ट्रंक रखा है मैंने। सो दिस इज इट, ये है मेरा रूम। मुझे तो आज ब्लॉग शूट करना ही था तो मैंने सुबह से काफी इसको समेट लिया और काफी साफ सुथरा बना के, और काफी आपको अच्छा दिख रहा होगा इस टाइम। लेकिन यूजुअली ये रूम इतना साफ रहता नहीं है, तो अब मैं आपको अपने कुछ फ्रेंड्स के रूम में लेके जाऊंगी जहां हम अनअनाउंस्ड पहुंच जाएंगे, और आपको उससे पता चलेगा कि नॉर्मली इस रूम की क्या हालत रहती है और कितना गंदा ये हो सकता है। तो लेट्स गो। मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो गाइज ये है निधि का रूम, और निधि हमारे ग्रुप की सबसे साफ सुथरी बच्ची है। आपको इसके रूम से ही पता चल रहा होगा कि ये कितना साफ सुथरा रहती है। तो इसको साफ सफाई से वैसे मतलब है ही नहीं बिल्कुल भी, और इसका इसके रूम में सामान सारा मिलेगा आपको, लेकिन सब कुछ काफी फैला हुआ मिलेगा। ये देखो इसने अभी बच्ची ने लेसिक कराया तो इसकी आई ड्रॉप्स अरेंज है काफी अच्छे तरीके से, बाकी सब ऐसे ही फैला हुआ है। और इसने भी थोड़ा एस्थेटिक लुक देने के लिए एक लाइट तो लगाई हुई है टूटी फूटी सी, देख जो बस है। ऐसे भी रह सकते हो आप, मतलब कोई दिक्कत है नहीं। ये है हमारे कॉमन वॉशरूम्स, अभी नए बने हैं तो काफी साफ सुथरे और अच्छे दिख रहे होंगे। हमें इतनी दूर आना पड़ता है वॉशरूम के लिए और नहाने वगैरह के लिए और ब्रश करने के लिए भी, क्योंकि हमारे रूम्स में अटैच नहीं है टॉयलेट्स। अब हम एक दूसरे रूम में चलते हैं। ये है मुस्कान का रूम। हाय मुस्कान, ये दोनों इन दोनों का नाम मुस्कान है, और ये मुस्कान मलिक का रूम है। ये है एक नॉर्मल रूम, जैसे इस छोटे से कमरे में आपको दुनिया की हर चीज मिलेगी, कुछ भी मांग लो सब मिल जाएगा, लेकिन काफी फैला हुआ है क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही रहता है, मेरा कमरा भी ऐसे ही रहता है। ये इसने भी कुछ फोटोज लगाई हुई है और लाइट लगाई हुई है। अरे ये दोनों बैठ के एम्बैरेस हो रहे हैं। बाय। तो गाइस अब मैं आपको अपना फर्स्ट ईयर वाला रूम दिखा के लाती हूँ जहाँ मैं फर्स्ट ईयर में रहती थी डबल शेयरिंग में। वो दूसरे हॉस्टल में है, अब वो ओल्ड गर्ल्स हॉस्टल में है इंटर्न्स गर्ल्स में, और अब हम न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं सिंगल रूम में। तो वहाँ पे अब मेरे जूनियर्स रहते हैं, जो 20 बैच है वो रहता है, तो मैं आपको दिखा के लाती हूँ। तो गाइस ये है मेरा ओल्ड रूम S18, और ये सेकेंड फ्लोर पर था, और ये मैंने स्टिकर लगाया था, इन्होंने उतारा नहीं है अभी तक। और ये दो बेड्स हैं एल शेप में डाले हुए हैं, एक विंडो है, एक ये ओपन रैक है जिसमें बुक्स वगैरह रख सकते हैं, और ये एक अलमीरा मिलती है, इसमें दो लोगों का बिल्कुल भी सामान नहीं आ पाता। लेकिन थोड़ा कंजस्टेड सा तो रहता है, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे घर की याद आती है तो सही रहता है दो लोगों का साथ रहना। आप लोगों को देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये कितना छोटा रूम है, इसमें कैसे रहते हैं, सामान कैसे एडजस्ट होता है, और वॉशरूम के लिए इतनी दूर जाना पड़ता है, कितना मुश्किल लगता होगा। फ्रैंकली बताऊंगा तो स्टार्टिंग में मुझे भी यही सब लगता था जब मैं घर से नया नया आई थी, कि कितना मुश्किल है यहाँ रहना और कैसे रहेंगे अपना घर का सारा कम्फर्ट छोड़ के। लेकिन टाइम के साथ साथ इस सब की इतनी आदत पड़ जाती है और यहाँ रहना इतना अच्छा लगने लगता है कि मतलब
बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हो आप इस सबसे और यही घर लगने लगता है। तो गाइस ये था मेरा रूम टूर, मेरा छोटा सा घर। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आप और किस टॉपिक पे चाहते हो कि मैं व्लॉग्स बनाऊं। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।